Hey guys, how's it going? Fuzzle Tots for you here. I'm your instructor Fuzzle Harun. Today we are going to discuss login system by using while and do while loop. This is part 27. Let's dig in. Hold up. Welcome back. So आज हम बात करेंगे कि लॉगिन सिस्टम हम कैसे बनाते हैं। तो पहले मैं ऐसे कर लेता हूँ कि हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो वो हमारे पास क्या है। एक हमारे पास स्ट्रिंग की ज़रूरत होगी जिसमें हम यूज़र नेम इंटर करेंगे, ठीक है, यूज़र नेम हम इंटर करेंगे। और दूसरा हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हम पिन कोड इंटर करेंगे, ठीक है, हमारे पास एक पिन कोड है। तो मैंने तो दो हमारे पास हमने वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया है, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इंटर करूँगा, यहाँ पर एक मैसेज भी हम दे देते हैं, इसलिए सी आउट में हम एक मैसेज देंगे कि लॉगिन सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा, क्या नाम है, बैक स्लैश और एन पे मैं प्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ये भी कर लिया है कि एक मैसेज देगा कि ये हमारे पास एक लॉगिन सिस्टम है, सही है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं कि सी आउट करें इंटर यूज़र नेम, ठीक है, हम यूज़र नेम इंटर कर लेते हैं। और यहाँ पर भी मैं लिख लूँगा कि बैक स्लैश एन, ठीक है, सेमी कॉलन, और मैं यहाँ पर सी एन करना चाह रहा हूँ यूज़र नेम को। यूज़र नेम को मैंने सी एन कर लिया, अब मैं दोबारा सी आउट कर रहा हूँ। सी आउट में मैं क्या करूँगा, इंटर पिन कोड, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं बैक स्लैश और एन लिख लेता हूँ, सेमी कॉलन, और मैं सी एन कर लेता हूँ। सी एन में मैं क्या करूँगा, पिन कोड में लिख लेता हूँ। और यहाँ पर अब मैं कंडीशन डालूँगा, अगर हमारे पास यहाँ पर हम दो कंडीशन डालेंगे ना, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा एक जनरल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर एक ब्रैकेट डाल लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास एंड होगा, एंड ऑपरेटर होगा, क्योंकि पासवर्ड और यूज़र नेम अगर सेम हो, मतलब करेक्ट हो, तब हमारे पास आगे जाएगा। तो मैंने तो यहाँ पर ये लिख लिया है ना, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि यूज़र नेम, अगर यूज़र नेम हमारे पास इक्वल हो किसके, फजल के, ठीक है, तो सही है, ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गया। और एंड हमने यूज़ किया, तो दोनों कंडीशन को हम ट्रू कराएंगे तब ये आगे जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं कि पिन कोड इज़ नॉट इक्वल टू किसके, 1 2 3 4, बस 4 तक ही सही है, ठीक है। मैंने ये नॉट इक्वल टू क्यों लिखा है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्या होना है, ठीक है, इसका क्या मतलब है और क्यों मैंने इस तरह लिखा है, ठीक है, इसका आपको अभी समझ आ जाएगी। मैं अभी आगे चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये डाल दिया है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जो चीज़ें मैंने ऊपर लिखी थी ना, दोबारा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। दोबारा क्यों लिखते हैं, अगर हमारे पास इनकरेक्ट हुआ, ठीक है, अगर हमारे पास ये चीज़ इनकरेक्ट हुई, तो फिर क्या होगा, हम दोबारा एंटर करेंगे ये चीज़ें। अगर ये हमारे पास करेक्ट है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया जाएगा, वेलकम एक मैसेज आ जाएगा, एक मैसेज होगा जिसमें हमें बताया जाएगा कि वेलकम। तो इसी तरह हम जैसे फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब की जीमेल जो हमारे पास होते हैं, इसके जो हम यूज़र नेम और क्या नाम है पासवर्ड एंटर करते हैं, तो वो भी कुछ इस तरह का सिस्टम होता है, मगर वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। ये मैं थोड़ा लो लेवल में आपको बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि यार क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास एक एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, आप थोड़ा सा सोचिए ये एरर क्यों दे रहा है। यहाँ पर तो मैंने डबल कोट्स डाले हैं, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमास मैंने डाले हैं कि फजल, तो ये एक्चुअल में हमारे पास क्या था, ये यूज़र नेम हमारे पास क्या था, एक स्ट्रिंग था, तो वो तो जाहिर है कि वो हम इन्वर्टेड कॉमास में डालेंगे ना, यानी हम जब भी इक्वल करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास में डालेंगे। यहाँ पर हमारे पास मसला क्या है कि मैंने इंट पिन कोड लिखे, मैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर मैंने 1 2 3 डाला, तो ये मेरा एक मिस्टेक था जो मैंने आपको बताया, तो ये मैं ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ तक। अब मैं शिफ्ट F10 पे मैं प्रेस करता हूँ, ठीक है, प्रोग्राम हमारे पास रेडी है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फजल, मैंने फजल करेक्ट दिया है, ठीक है। अब मैं पासवर्ड अगर गलत दे दूं, मैं लिख लूं कि 9876, ये हमें दोबारा कहेगा कि दोबारा एंटर करें, मैं फजल एंटर कर रहा हूं। अब मैं पासवर्ड सही देता हूं, ठीक है, मैंने लिखा है 1 2 3 4,
ठीक है, ये हमें क्या दे रहा है, वेलकम। तो ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम था जो इतना सिक्योर तो नहीं है, मगर मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कैसे हम सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो डू वाइल लूप भी अब हम यूज़ कर लेते हैं। तो वाइल लूप में हमें मसला क्या था कि हमने दो मर्तबा ये चीज़ डिफाइन किया था, यानी यहाँ पर भी मैंने लिखा था कि हम इंटर करें और इंटर करें पिन कोड और इंटर करें यूज़र नेम, और दोबारा दोबारा मैं लिख रहा था। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, शिफ्ट में मैंने प्रेस किया और राइट में मैं जा रहा हूँ, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स से मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ पर मैं डू लिख लूँगा, ठीक है। और नीचे मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ और आखिर में सेमी कॉलन में डाल दूँगा, सही है। और इस चीज़ों को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। क्यों ख़त्म करूँगा? क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप में पहले क्या होता है, पहले स्टेटमेंट रन होता है, उसके बाद कंडीशन चेक किया जाता है। पहले ये स्टेटमेंट रन होगा, फिर उसके बाद कंडीशन चेक किया जाएगा। तो मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, तो हमारा कोड कितना शॉर्ट हो गया, कितने लाइन हमने इरेज कर दिए। तो मैं जब शिफ्ट F10 में मैं प्रेस करता हूँ, वही प्रोग्राम है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि फजल, ठीक है, पिन कोड मैं कुछ गलत दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हम नहीं दे सकते, ये मसला करेगा, देखो ये एरर दे रहा है, क्योंकि हमारे पास पिन कोड है। पिन कोड में हम क्या एंटर करेंगे, 1 2 3 4, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि हम नंबर एंटर करेंगे, यानी अल्फ़ाबेट एंटर नहीं कर सकते। तो मैं इसे क्लियर भी कर सकता हूँ, वह क्लियर से ये कि एक बार क्लियर हो जाएगा, दोबारा प्रोग्राम रन हो रहा है, मैं यहाँ पर इसे स्टॉप कर देता हूँ और फिर मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। मैं अभी दोबारा शिफ्ट F10 में मैं प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लूँगा कि फजल, और पासवर्ड में कुछ गलत दे देता हूँ, इनकोरेक्ट है, दोबारा मैं फजल लिख रहा हूँ, फिर हमारे पास पासवर्ड कुछ इनकोरेक्ट होगा, फिर मैं फजल लिखता हूँ, पासवर्ड अभी मैं करेक्ट दूंगा, मैं दूंगा 1 2 3 4। तो ये हमें क्या कह रहा है, वेलकम। तो ये हमारे पास एक छोटा सा सिस्टम था जो मैंने आपको बताया, लॉगिन सिस्टम था। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल, यानी टेबल हम बनाएंगे कि कैसे हम डिफरेंट टेबल बना सकते हैं प्रोग्राम के ज़रिए, ठीक है। जो हम पेज पे लिखते थे कि 2 का टेबल लिखे, 3 का टेबल लिखे, 4 का टेबल लिखे, तो कितना मुश्किल होता, मगर प्रोग्रामिंग में मैं आपको बताऊंगा कि कितना इजी होता है। द थिंग इज़ क्वाइट सिंपल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।